कामा चर्च तेरे ने सोनिया तेरे ने मक्के विच विकया मदीने विच विकया असी तैनू आशिका दे सीने विच विकया मक्के विच विकया मदीने विच विकया असी तैनू आशिका दे सीने विच विकया जिस पासे जिस पासे नजर उठावा चर्चे तेरे ने सोनिया तेरे पंज दस दिया मस्त हवावा चर्चे तेरे ने सोनिया तेरे ने चारा बिच विकया ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਬਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾਵਾਂ ਚਰਚੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ ਪਈਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਮਨਤਾ ਹਵਾਵਾਂ ਚਰਚੇ ਤੇਰੇ दीन विच वेखिया ईमान विच वेखिया असी तैनू अल्लाह दे कुरान विच वेखिया दीन विच वेखिया ईमान विच वेखिया असी तैनू अल्लाह दे कुरान विच वेखिया पै दस दे सारे सिपारे चर्चे तेरे ने सोनिया तेरे ने जिस पासे नजर उठावा चर्चे तेरे ने सोनिया तेरे ने कुल नबिया ने तैनू घर छत वेखिया रब सोने रज रज अज छत वेखिया ਕੁਲ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੋ ਫਰ ਸੱਤ ਵੇਖਿਆ ਰੱਬ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇ ਸੱਤ ਰੱਜ ਰੱਜ ਵੇਖਿਆ ਪੈ ਦੱਸ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਤਾਰੇ ਚਰਚੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾਵਾਂ ਚਰਚੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇ कमल ते कमल दी छाया का कर दे कमल ते कमल दी छाया का कर दे चोली साडी सोनिया मुदादा नाल भर दे चोली साडी सोनिया मुदादा नाल भर दे तेरे सदके तेरे सदके मैं वारी जावा चल जे तेरे ने सोनिया तेरे जिस पासे नजर उठावा चर्चे तेरे ने सोहणिया तेरे ने सोहणिया तेरे ने सोहणिया तेरे ने माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये थे जनाब सूफी मोहम्मद अशरफ नक्शबंदी साहब जो बारगाह मुस्तफी की अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। इन्हीं के नाम के दौरान हमारी समाज पर जीवन बने नकाबत का बहुत बड़ा नाम मेरी मुराद जनाब अहमद हुसैन फयाज साहब उनके सामने अपनी हाजिरी जो है वो पेश कर रहा हूँ। मुख्तसर से वक्त में दो सनाखाने हैं फिर उसके बाद माइक जो है मैं आपके हवाले कर दूंगा। तो बिना तारीफ में अगले सनासन को दावत दे रहा हूँ हाफिज सैफुल्ला साहब वो आए और बारगाह मुस्तफी की अपनी हाजिरी पेश करें। मोहब्बत के साथ एक नारा बुलंद कीजिए नारे तकबीर नारे विशाल नारे हैदर sallallahu alaihi kala
और उनके साथ साथ
तशरीफ लाए आशिके रसूल आशिके मदीना जनाब आमिर बरसा आमिर को दिल की अता के रंगों से खुशामदीद कहती हैं और इनका वेलकम करती है। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी और इनके साथ साथ तशरीफ लाए सरमाया अहले सुन्नत फखरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हाजी मोहम्मद अरशद साहब, हम उनको भी दिल की अता के रंगों से खुशामदीद कहती है। अबाबेजी वक़्त बानियाने महफिल जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल पाक को सजाया और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल पाक को सजाती है और हम सबको मिलकर बैठने का जो है ये मौका फराहम करती है। जनाब आमिर लतीफ साहब हमारी इस महफिल पाक की जिदत कर चुके हैं, दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में खुसूस इनके कारोबार मालो जान इज्जत आबरू में वो साथी और बरकतें अदा फरमाए और उनके साथ साथ जितने भी मेहमान आने के रंग तशरीफ लाए आप तमाम को दिल की अता के रंगों से खुशामदीद कहती है और उनका वेलकम करती है। तमाम ही अहबाब तशरीफ रखे